हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल उमरियाया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं और कैसे अपने ब्लॉग का फर्स्ट पोस्ट लिखते हैं। अगर फ्रेंड आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे अपने ब्लॉग को इंडेक्स करते हैं, कैसे अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में लाने के लिए इंडेक्स किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। अब जैसे ही अपने क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले अपने ब्लॉगर अकाउंट पर जाना है। तो आपको सिंपली blogger.com लिखकर सर्च कर देना है। अब जैसे ही लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। आप अपने ब्लॉगर अकाउंट पर लॉग इन हो जाएंगे। तो आपको सिंपली सबसे पहले अपने ब्लॉगर पर जाना है, अपने ब्लॉग अकाउंट पर जाना है। तो आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, यानी आप अपने ब्लॉग पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने ब्लॉगर का एड्रेस कॉपी कर लेना है। आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, होम के ऑप्शन पर जाना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। अब जैसे ये लिखकर टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो आपको डोमेन पर क्लिक नहीं करके URL प्रीफिक्स पर क्लिक करना है और आपको सिंपली अपने ब्लॉग का एड्रेस यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मेरा ब्लॉग का एड्रेस कुछ इस तरह का है। तो आपको सिंपली यहाँ तक .com तक ही यहाँ तक इसको रखना है और इसको काट देना है। तो आप सिंपली इसको यहाँ तक काट देंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही इस पर कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपको गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट विंडो खुलकर सामने आएगी। आपको सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ऑनरशिप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई तरह से वेरिफिकेशन ऑनर का आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको सिंपली इन सभी में से किसी को चूज नहीं करना है, आपको सिंपली HTML टैग को क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा कोड दिख कर आएगा, तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। आप जैसे इसको कॉपी कर लेंगे तो आपके सामने ये कॉपी हो जाएगा और आपको सिंपली अपने ब्लॉगर पर जाना है, यानी आपने जिस अकाउंट से ब्लॉग बनाया है आपको ब्लॉगर पर जाना है। आपको ब्लॉगर के सेटिंग पर जाना है, आपको सिंपली यहाँ पर दिखेगा थीम का ऑप्शन, तो आपको थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलकर सामने आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको एडिट HTML पर चले जाना है। एडिट HTML पर जाने के बाद आपको सिंपली कुछ ऐसा ऑप्शन दिखकर सामने आएगा, तो आपको सिंपली लाइन नंबर 4 पर हेड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है और आपने जिस कोड को कॉपी किया था यहां पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। आप जैसे इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। तो आपको इसको सिंपली सेव करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे इसको सेव कर लेंगे तो आपका ये कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपको सिंपली अपने वापस गूगल सर्च कंसोल पर जाना है और यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रहे कि आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर तभी क्लिक करना है जब आप उस कोड को वहाँ पर पेस्ट कर दें। तो हमारा यहाँ पर HTML टैग सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं साइट मैप को। तो साइट मैप पर क्लिक करने के लिए आपको सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको सिंपली साइट मैप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो आपको सिंपली वापस क्या करना है, अपने ब्लॉगर अकाउंट पर जाना है। अपने ब्लॉगर अकाउंट पर जाने के बाद आपको सिंपली अपने blogger.com पर जाना है, अपने ब्लॉगर वेबसाइट के एड्रेस को वापस कॉपी करना होगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अपना ब्लॉगर अकाउंट खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है और इस लिंक को कॉपी कर लेना है और आपको सिंपली वापस गूगल सर्च कंसोल पर जाना है और आपको सिंपली साइट मैप के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने ब्लॉगर का एड्रेस यहाँ पर ला के कॉपी पेस्ट कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है .com को हटाने के बाद आपको साइट मैप
.xml लिखकर आपको एरो पर क्लिक कर देना है, इंटर दबा देना है और आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड ये था हमारा सिंपल था जिससे कि हमारा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब आपको क्या करना है, तो ये हमारा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने गूगल सर्च पर इसको इंडेक्स कर दिया है और आपको एक और काम करना है। यहाँ पर आपको सिंपली जाना है गूगल सर्च कंसोल पर। गूगल सर्च कंसोल पर जाने के बाद आपको एक और काम करना होगा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने इंडेक्स नहीं किया है तो आपको इंडेक्स करना होगा अपने गूगल सर्च अपने वेबसाइट को। तो आपको सिंपली गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक करना है और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड हम लोग जाएंगे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको URL इंस्पेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको अपने वेबसाइट का URL यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एड्रेस है वो हमारा सबमिट हो जाएगा और इंडेक्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ URL इज नॉट ऑन गूगल, तो आपको रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक करना है और हमारा इंडेक्स रिक्वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्टिंग इफ लाइव URL कैन बी इंडेक्स, अगर हमारा URL इंडेक्स हुआ होगा तो हमें दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो सिंपली हमें यहाँ पर वेट करना होगा। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 से 3 मिनट का वेट करना होगा। तो फ्रेंड हमारा URL सक्सेसफुली इंडेक्स हो चुका है। तो फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा URL सक्सेसफुली इंडेक्स हो चुका है। अब हम लोग यहां पर टेस्ट लाइव URL पर क्लिक करेंगे और हमारा URL सक्सेसफुली इंडेक्स हो जाएगा और हमारा URL 2-3 दिन के अंदर गूगल पर रैंक करने लग जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स ये इतना ही आसान है जितना आप समझ रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं URL इज अवेलेबल टू गूगल, तो हमारा URL यानी हमारा ब्लॉग सिंपली इंडेक्स्ड हो चुका है। अब गूगल को पता चल चुका है कि हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है और हमारा गूगल का एड्रेस अब गूगल पर रैंक करने लग जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करते हैं। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।